G20 शिखर सम्मेलन के तहत एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप और कृषि कार्य समूह की बैठकों की सफल मेजबानी के बाद अब गुरुग्राम में दो और बैठकें होने जा रही हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब गुरुग्राम पूरी तरह से विदेशी मेहमानों के लिए सजकर तैयार है। जिला प्रशासन ने विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में लगभग 800 प्रतिनिधि मंडलों के भाग लेने की संभावना है। बैठक में पहुंचने वाले मेहमानों का नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। रात्रि भोज के दौरान एक विशेष ड्रोन शो का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे विदेशी प्रतिनिधि हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सके। 20 को लेकर अब जिला प्रशासन की क्या तैयारियां, कब कब बैठक गुरुग्राम में निश्चित हुई है? जुलाई में गुरुग्राम में 2 G20 मीटिंग शेड्यूल्ड है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 13th and 14th को साइबर सिक्योरिटी और बाकी मुद्दों पे जो हयात रीजेंसी है खिड़की दुल्ला टोल के पास, उसमें एक बैठक रखी गई है। साथ ही जो स्टार्टअप 20 जो कि G20 का एक साइड इवेंट है, उसकी भी मीटिंग 3rd and 4th जुलाई को ग्रैंड हयात में होगी और इसमें सभी जो 20 नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ इनवाइटी नेशंस भी हैं। तो लगभग 40 देशों से जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो पूरा साल है वो इंडिया का प्रेसिडेंसी ईयर है G20 का, जिसमें भारत है वो उसकी अध्यक्षता कर रहा है पूरे G20 की। तो हमारे लिए विशेष रूप से ये गर्व की बात है कि गुरुग्राम को काफ़ी सारे G20 के इवेंट्स मिले हैं। प्रशासन की तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमान अपने भारत दौरे के दौरान गुरुग्राम शहर की अच्छी छवि अपनी स्मृति में लेकर लौटें, इसके लिए शहर की अच्छी ब्रांडिंग की जाएगी। बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों की सुरक्षा, ट्रैफिक रूट और शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे में 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में भी स्टार्टअप को लेकर G20 की बैठक है और इस बैठक में कुल 40 देशों के 800 प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे और 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम के इसी सेक्टर 58 के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक आयोजित की गई है और माना जा रहा है कि स्टार्टअप को लेकर अब भारत में भी नए आयाम और नए व्यापार के रास्ते खुलने वाले हैं। और इस होटल की सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी है और साथ ही साथ जो 800 प्रतिनिधि मंडल आएंगे उनको लेकर 60 लाइजनर ऑफिसर तैनात किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। 3 और 4 जुलाई को ये अलग अलग तरीके की बैठक चलेंगी। तो वहीं अगर हम बात करें तो G20 को लेकर 3 जुलाई को हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम विदेशी मेहमानों को रात्रि भोज दिया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ पूरी हरियाणा की कैबिनेट मौजूद रहेगी और इस डिनर का कार्यक्रम गुरुग्राम के सेक्टर 64 के ओरोना बैंकेट हॉल में किया गया है और उसके बाद 4 जुलाई को भी यहां बैठक होगी। साथ ही साथ हरियाणवी छठा और हरियाणवी जो कल्चर है उसके साथ विदेशी मेहमान यहां से लौटे, इसको लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक तमाम जो हरियाणवी कलाकार हैं उनकी तैनाती की गई है और हरियाणवी जो भोजन है उनको रात्रि भोजन दिया जाएगा और ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि भारत के साथ साथ हरियाणा और गुरुग्राम में अब स्टार्टअप के साथ साथ इंडस्ट्री और उद्योग को एक नया आयाम और एक नई तरक्की की तरफ बढ़ने वाला है। नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार, गुरुग्राम। उम्मीद है कि इस बैठक से दुनिया भर के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच मिल सकेगा। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट।